हेलो गाइस तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद है सब बढ़िया होगा सो so, आज मतलब आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा गेम लूप की प्रॉपर सेटिंग ए टू जेड आप लोगों को सारी चीज़ें गाइड करूंगा किस तरीके से आपकी गेम लेवल बढ़ सकते हैं स्किल्स मतलब सो so, पहले तो हम चलेंगे ए के सॉफ्टवेयर के अंदर एम के सॉफ्टवेयर के अंदर जाने के बाद हम लोगों ने डिस्प्ले सेटिंग पे आना है गेमिंग पे क्लिक करने के बाद डिस्प्ले सेटिंग पे आना है जिसके पास एनवीडिया का कार्ड है सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप वो वीडियो यूट्यूब से देख लेना क्योंकि उसका मैं आपको अभी गाइड नहीं कर सकता तो उसके लिए सॉरी और डिस्प्ले पे आने के बाद एम के बाद डिस्प्ले पे आने के बाद आप लोगों ने कस्टम पे क्लिक करना है कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है चौदह चालीस यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है चौदह चालीस एक हज़ार अस्सी यहाँ पर भी लिखना है आपने चौदह चालीस एक हज़ार अस्सी कस्टम कर देना है कस्टम करने के बाद आप लोगों के साथ एक बार ऐसी स्क्रीन झटका मारेगी उसके बाद आपने ये वाले आइकन को क्लिक करके ये वाले पे क्लिक कर देना है नहीं तो आपकी साइडें ब्लैक हो जाएंगी आपने इसको करने के बाद आपने डिस्प्ले सेटिंग पे जाना है डिस्प्ले सेटिंग पे जाने के बाद आपने इस वाले को यहाँ पर भी लगा देना है सेव कर देना है इसको लगाने के बाद आप लोगों ने इसको हटा देना है इसका हो गया काम ख़त्म काम ख़त्म होने के बाद आपने बैकग्राउंड ग्राउंड ऐप्स खोलनी है बैकग्राउंड ऐप्स पर जाने के बाद सब कुछ ऑफ कर देना है जिससे आपकी गेम स्मूथ हो जाएगी आप लोगों ने ये सब कुछ ऑफ़ करने के बाद एक बार फिर सर्च पे क्लिक करना है सर्च पे क्लिक करने के बाद आपने ये वाला लिखना है और यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने आपके पास एनवीडिया का अगर कोई कार्ड होगा या एक ए AMD का होगा तो आपने सिर्फ़ उस चीज़ को इनेबल रखना है बाकी सब कुछ ऑफ़ कर देना क्योंकि वो किसी काम का नहीं है वो सब कुछ ऑफ़ करने के बाद अब आम आँग अब हम आ जाएंगे गेम लूप की सेटिंग के ऊपर है गेम लूप की सेटिंग के ऊपर आने के बाद हम लोग ये सारे चेक हटा देंगे क्योंकि ये फजूल है ये सारे चेक हटाने के बाद हम इजन पे क्लिक करेंगे इंजन पे डायरेक्ट टैक्स रखना है डायरेक्ट टैक्स के बाद थर्ड वाला ऑप्शन और फिफ्थ वाला ऑप्शन रखना है उसके बाद कोई टिक नहीं रखना है क्योंकि सब फजूल है बाकी ये सब कुछ यार आप लोगों को पता नहीं लोग क्या क्या कहते रहते हैं वो सब मतलब वीडियो का टाइम वेस्ट और आप लोगों का टाइम वेस्ट करना होता है ये सब चीज़ों को ऐसे ही रहने दो बस आपने यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपने वही रेजोल्यूशन यहाँ पर डालनी है चौदह चालीस एक हज़ार अस्सी और नीचे दो सौ चालीस रखना है मोबाइल पे कुछ नहीं छेड़ना गेम पे आने के बाद अपने एच करना है एच डी टेन और नीचे एच करना है नीचे से एफ करना है उसको सेव करना है सेव करने के बाद गेम ऑन करनी है गेम ऑन करते ही आपके पास गेम ऑन हो जाएगी अच्छा गेम ऑन ऑन करने के बाद आप लोगों के साथ ये वाली सेटिंग आप लोगों ने फॉलो करनी है थैंक यू सो मच ओके तो बॉयज़ आप लोगों ने सारी सेटिंग वो वाली फॉलो करने के बाद आपने गेम लूप की सेटिंग ये वाली सारी करनी है फॉलो एज इट इज़ ये सारी सेटिंग ऐसे ही फॉलो करनी है वीडियो को रोक रोक के आप लोगों ने सारी सेटिंग को फॉलो कर लेना एडवांस में चलते हैं एडवांस में आप लोगों ने ये सारी सेटिंग को एज इट इज़ फॉलो करते रहना है तभी आपकी एम प्ले कुछ बढ़िया हो जाएगी कुछ नहीं बहुत बढ़िया हो जाएगी आप लोग ट्राई करना बस एक बार इस चीज़ को सेंसीविटी पे चलते हैं सेंसीविटी पे आप लोगों ने ये सेंसिविटी इस आई पेड व्यू पर ये सेंसिविटी इट इज़ ज़ीरो रिक्वायर तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना ये सारी सेंसिविटी आप लोग फॉलो करनी है वीडियो को रोक रोक के देख लेना और बाकी आपके साथ कोड शेयर कर देता हूँ कोड ये वाला कोड है इस सेंसिविटी का और अगर आपके पास ये कोड उस टाइम पे अप्लाई ना हो जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं उसी टाइम आपको उसी दिन आपको न्यू कोड मिल जाएगा मैं ट्राई पूरी करूँगा सो ये कोड आ गया कोड के बाद आपने ये कि कंट्रोल्स वगैरह भी छेड़ने पड़ेंगे आपको इसकी मेक आई पैड व्यू के ऊपर सो कंट्रोल्स वगैरह की भी आप लोग सेटिंग कर लेना जिस जिस बाई को नहीं आती फिर उसके ऊपर स्पेसिफ़िक एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं अब अभ, अभी अगर इस चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी सो जिस जिस भाई को भी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को यार लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सपोर्ट करना लव यू